हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग कांग्रेस हाईकमान से की है। सूत्रों के मुताबिक हुड्डा जहां खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराने पर अड़े हैं और अपने नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं, वहीं अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी वह संगठन में पद चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित तमाम पार्टी नेता शामिल हुए। हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर लगातार पेशोपेश का दौर चल रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के बीच खींचतान जारी है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।